प्रॉफिट, इनकम और रिटर्न्स, ये तीन वो शब्द है जो हमेशा हमारे दिमाग में चलते रहते हैं जब भी हम स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी स्टॉक को परचेस करते हैं तो उसके पीछे का एक ही बेसिक इंटेंशन होता है कि हमें उस स्टॉक में से बहुत ही अच्छी खासी इनकम जनरेट करनी है और हमें उसमें से बहुत ही मल्टीप्लायर रिटर्न्स मिलने चाहिए। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए से 10 स्टॉक्स लेकर आया हूँ जो ना ही टाटा ग्रुप से जुड़े हैं, ना ही अंबानी ग्रुप से जुड़े हैं, ना ही अडानी ग्रुप से जुड़े हैं। ये स्टॉक्स कोई भी बड़े ग्रुप से जुड़े नहीं है, लेकिन ये स्टॉक्स ने ऑलरेडी अपने जो इन्वेस्टर्स उनको मिलियनेयर बना दिया है और फ्यूचर में इनकी जो ग्रोथ होने वाली है वो कुछ अलग लेवल पर ही होने वाली है। तो प्रॉफिट, इनकम और रिटर्न्स, ये तीनों शब्दों का समावेश हमें आने वाले 10 स्टॉक्स में दिखने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चुन चुन कर ऐसे 10 स्टॉक्स लेकर आया हूँ अक्रॉस सेक्टर्स, जिसमें से कुछ स्टॉक्स है स्मॉल कैप स्टॉक्स और कुछ स्टॉक है पेनी स्टॉक। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि स्मॉल कैप स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स एक ही चीज है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पेनी स्टॉक्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 करोड़ से 5,000 करोड़ के बीच में होता है, वहीं पे स्मॉल कैप स्टॉक्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2200 करोड़ से 15,000 करोड़ के बीच में होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ, यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स अलग है और पेनी स्टॉक्स अलग है। तो वीडियो में आगे मैं 10 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा विद प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि फिनटेक बाय मोहित लांबा, यानी इस चैनल पर मैं डेली फाइनेंस रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता हूं। तो अगर फाइनेंस के सेक्टर में आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, अगर फ्यूचर में स्टॉक मार्केट से मिलियनेयर बनना चाहते हो तो आज की वीडियो स्किप करना तो आपका बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि दिस इज द मस्ट वॉच वीडियो फॉर ऑल दोस पीपल हु नीड टू अर्न मैसिव इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट इन फ्यूचर। So do watch till end. तो पहला स्टॉक है कैंप्स लिमिटेड, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। कंपनी का जो स्टॉक है उसकी करंट प्राइस है 2427 रुपीज के आसपास, और पिछले एक साल में इसका ऑल टाइम हाई है 4,000 रुपए के आसपास। कंपनी स्टॉक मार्केट में 2020 में लिस्ट हुई थी और तब से लेकर आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 80% के रिटर्न्स दे दिए। और अभी ये 80% इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पिछले 3 से 4 महीनों से स्टॉक मार्केट ये अच्छे खासे डंप में चल रहा है, इसलिए 80% दिखा रहा है, नहीं तो इसने बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स दिए थे। लेकिन अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो फ्रॉम इट्स लिस्टिंग डेट टू प्रेजेंट डे इट हैज गिवन अ रिटर्न्स ऑफ 80%। कंपनी करती क्या है, कंपनी म्यूचुअल फंड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। साथ ही साथ एएमसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। व्हाट इज एएमसी? एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऐसी कंपनी होती है जो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल फर्म्स है उनके एसेट्स को मैनेज करती है, उनके एसेट्स और उनकी इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल स्टडी रखती है और उनको अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस को कैरी आउट करने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। और ये कंपनी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी आरटीए है। व्हाट इज आरटीए? आरटीए यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी कि इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको यही कंपनी होल्ड करती है इन मैक्सिमम टाइम्स। यानी कि म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के सेक्टर में ये कंपनी एट प्रेजेंट 69.4% का मार्केट शेयर होल्ड करती है, जो सबसे ज्यादा है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के सेक्टर में ये स्टॉक एक मोनोपोली स्टॉक बन जाता है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11,800 करोड़ के आसपास का, और कंपनी के ऊपर जो डेट है यानी कि जो कर्ज है वो है केवल 72 करोड़ का, यानी कि लगभग कंपनी डेट फ्री है। तो कैंप्स इंडिया ये एक मोनोपोली स्टॉक है, बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स ऑलरेडी दिया है। और जैसे कि मैंने बोला कि म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के सेक्टर में ये कंपनी एक मोनोपोली स्टॉक है, तो ऐसे कंटेक्स्ट में तो ऐसा कोई भी रीजन यहाँ पे मुझे नहीं दिखता कि इसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। तो भी एट द एंड जो इन्वेस्टिंग डिसीजन है वो आपका होगा। ये वीडियो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, ताकि आपको मार्केट के जो वेरियस स्टॉक्स है उसके बारे में डिटेल भी हो जाए। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है एवेरिया लाइफ केयर लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस बहुत ही कम है क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है और इसका करंट प्राइस है 2.31 रुपीज के आसपास, और पिछले एक साल में इसका ऑल टाइम हाई है 11.9 रुपीज, यानी लगभग 12 रुपए की प्राइस को टच करके आ चुका है। जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बोला कि अभी 3-4 महीनों में बहुत ही ज्यादा मार्केट है वो डंप में चल रहा है, इसलिए ये नियरली 80% से नीचे आ चुका है। बट दिस इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर हम इसको एट प्रेजेंट अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीद लेते तो कंपनी केमिकल सेक्टर की है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स हमें दे सके। कंपनी करती क्या है, कंपनी इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ केमिकल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंपनी के बारे में सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि कंपनी का फोकस है टू एंटर द फार्मास्यूटिकल मार्केट, यानी कि जो फार्मा सेक्टर इंडिया का जो आने वाले कुछ सालों में बहुत ही बूमिंग सेक्टर होने वाला है। तो ये फार्मा सेक्टर के ऊपर भी मैंने बहुत सारी डिटेल वीडियोस बना रखी है, सो यू कैन चेक दैट वीडियोस, जिसके लिंक ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियोस टू। तो फार्मा सेक्टर ये बहुत ही ज्यादा बूमिंग होने वाला है इन द फ्यूचर टाइम्स, तो उसके कंटेक्स्ट में रिलेटेड ये जो कंपनी है यानी इवारिया लाइफ केयर लिमिटेड, ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ही अच्छा खासा बूम कर सकती है इन द कमिंग टाइम्स। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कोई पेनी स्टॉक देख रहे हो तो इन माय ओपिनियन एवेरिया लाइफ केयर लिमिटेड इज वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कंपनी बहुत ही छोटी है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 143 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर डेट है 5.25 करोड़ का। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक है
क्विक हिल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 213 रुपीज के आसपास, और पिछले एक साल में इसका ऑल टाइम है 320 रुपीज, यानी लगभग बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, वी शुड ग्रैब इट। कंपनी करती क्या है, कंपनी प्रोवाइड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, यानी कि टेक्नोलॉजी की सेक्टर की एक कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी का इंटरनेट पेनेट्रेशन का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा बूमिंग है। कंपनी के अगर देखेंगे तो 40 कंट्री से ज्यादा में इनके ऑफिसेज है, जो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है टू बाय द स्टॉक्स, यानी कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है। साथ ही साथ ये कंपनी गवर्नमेंट को भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो अगेन ये भी बहुत ही अच्छा खासा प्लस पॉइंट बन जाता है। और अगर हम इसके डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो इन द लास्ट 8 ईयर्स दिस कंपनी हैज ग्रोन फ्रॉम 8x, यानी 800% से ये कंपनी बढ़ी है। तो आप सोच सकते हो कि अगर 8 साल में 8x से बढ़ रही है तो आने वाले 8 साल में 16x या फिर 20x से भी बढ़ सकती है, क्योंकि कोई भी ग्रोथ का अगर हम स्ट्रेटेजी या फिर एक डेटा देखेंगे तो स्टार्टिंग ईयर्स में स्लोली ग्रोथ होता है, लेकिन एक बार बेस बन जाता है तो ग्रोथ है वो बहुत ही फेनोमिनल हो जाती है, बहुत ही एक्सेप्शनल हो जाती है। सो इन माय ओपिनियन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अगर आप एक बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक देख रहे हो तो क्विक हिल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बन जाती है। बट अगेन दिस इज माय ओपिनियन, इफ यू हैव सम अदर ओपिनियन अबाउट द स्टॉक्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चौथा स्टॉक आता है श्री ग्लोबल ट्रेडफिन लिमिटेड। कंपनी का करंट प्राइस है 7.2 रुपीज के आसपास, और पिछले एक साल में ये कंपनी 10.4 रुपीज के जो प्राइस है उसको टच करके आ चुके हैं, यानी 10 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, अभी डंप पे मार्केट चल रहा है इसलिए 7 रुपए के आसपास आ चुका है। पर ये ऐसे जो स्टॉक्स है ये जो कम प्राइस में मिल रहे हैं यही स्टॉक्स है जो फ्यूचर में हमें मल्टी मिलीनियर और मल्टी बैगर वाले रिटर्न देते और हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न देकर करोड़पति बना देते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा स्टॉक अगर खरीदोगे तो उतनी जल्दी करोड़पति नहीं बनोगे जितने स्मॉल कैप स्टॉक्स, जो अच्छे स्मॉल कैप और जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्मॉल कैप के स्टॉक्स या फिर पेनी स्टॉक्स उनको खरीद के आप जितना जल्दी करोड़पति बनोगे उतना कोई भी बड़ा स्टॉक खरीद के नहीं बनोगे। सो ये मेरा ओपिनियन है। कंपनी करती क्या है, कंपनी एक बहुत ही छोटी कंपनी है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 916 करोड़ का है, कंपनी के ऊपर डेट है केवल 20 या 25 करोड़ रुपए का, और कंपनी आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स में डील करती है। एट प्रेजेंट बहुत ही छोटी कंपनी है, यानी जस्ट आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स में डीलिंग करना शुरू की है, लेकिन यही कंपनीज है जैसे कि मैंने बोला यही कंपनीज है जो फ्यूचर में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है, क्योंकि ये कंपनीज के हम इनिशियल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, और जब इसमें बहुत ही ज्यादा एक मास लेवल की पब्लिक जुड़ जाएगी तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स दे सके। तो अगर आयरन स्टील प्रोडक्ट्स के सेक्टर में अगर कोई पेनी स्टॉक खरीदना चाहते हो तो श्री ग्लोबल ट्रेडफिन लिमिटेड इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। पांचवा स्टॉक आता है फेगारोलस लिमिटेड। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 8.51 रुपीज के आसपास, और पिछले एक साल में ये स्टॉक 11.2 रुपए पे जाके आ चुका है, यानी ज्यादा फर्क नहीं है। कंपनी करती क्या है, कंपनी ये फेरो एलॉयज और फेरोक्रोम का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब फेरो एलॉयज क्या है, फेरो एलॉयज यानी कि वो इंग्रेडिएंट जिसको यूज करके स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील की मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज जो बड़ी बड़ी मशीनरी बनाती है उसमें स्टेनलेस स्टील को यूज करके वो बनाती है। तो अगर स्टेनलेस स्टील की डिमांड बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली फेरो एलॉयज की डिमांड बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि अगर स्टेनलेस स्टील को बनाना है तो फेरो एलॉयज को तो यूज करना ही पड़ेगा, और फेरो एलॉयज कौन बनाता है इंडिया में, वो बनाती है फेकर एलॉयज लिमिटेड। तो ऐसे कंटेक्स में फेकर एलॉयज लिमिटेड में इन्वेस्ट करना ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि कंपनी ये जो फेकर एलॉयज लिमिटेड ये कंपनी है इसके जो कस्टमर्स है उसमें बहुत ही बड़े तीन नाम आते हैं। पहला नाम है टाटा स्टील, दूसरा है अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड, और तीसरा है मोरबेक्स इंडिया लिमिटेड। और ये तीनों कंपनीज इस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा फेमस है, और डैडी कंपनी का नाम है यानी कि टाटा स्टील का। तो टाटा स्टील ऐसे ही तो किसी का कस्टमर बन नहीं जाएगा, अगर कंपनी खास है तभी वो कस्टमर बनाए। सो इन दिस केस फेकर एलॉयज लिमिटेड इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू डू नाउ। अब बढ़ते सिक्स स्टॉक की तरफ, और सिक्स स्टॉक हमारा है एफएल इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों एफएल इंडिया ये मेरा पर्सनली बहुत ही ज्यादा फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि जब मार्केट सीवियर डंप में था यानी जब मेरे जो स्टॉक्स है वो सारे स्टॉक्स रेड में थे, तभी भी एफएल इंडिया ये अकेली और एचबीएल पावर ये दो ऐसी कंपनीज थी जो अकेली कंपनीज ग्रीन में थी, बाकी सब रेड में थे, और वो कंपनीज ने मुझे आज तक एक बार भी लॉस नहीं दिखाया। अब मुझे उसे परचेस करके भी कम से कम 1.5 या 2.5 साल हो चुके, लेकिन अब तक मैंने ये दो कंपनीज में कोई भी लॉस नहीं देखा है। तो इन दिस केस एफएल इंडिया लिमिटेड ये बहुत ही बेस्ट स्टॉक बन जाता है, क्योंकि अगर डंप हुए मार्केट में भी ये स्टॉक नहीं गिर रहा तो आप सोच सकते हो कि जब मार्केट अपर साइड में होता है यानी कि जब मार्केट बहुत ही ज्यादा ग्रो करता है तब ऐसे स्टॉक्स किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, आप सोच सकते हो। तो एफएल इंडिया ये कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस चल रहा है 1044 रुपीज के आसपास, यानी 1000 रुपए के आसपास चल रहा है, और ये पिछले एक साल में 1500 रुपए यानी 1511 रुपए को टच करके आ चुका है, यानी एट प्रेजेंट लगभग 500 रुपए के डिस्काउंट पे मिल रहा है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम वी शुड टेक एंट्री इनटू दिस, क्योंकि ये कंपनी एक आईटी कंपनी और ऐसी आईटी कंपनी जो फ्यूचर में आईटी जॉइंट बन सकती है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी टारगेटेड मार्केटिंग पे काम करती है और साथ ही साथ मोबाइल एडवर्टाइजिंग और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पे काम करती है। अब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे चलता है, और इसके कौन से स्टॉक से जो हमें परचेस करने चाहिए, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो की डिटेल सीरीज बनाई है जिसके लिंक ऊपर आई बटन में साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप चाहो तो वो वीडियोस जाके देख सकते हो, ताकि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको डीप नॉलेज हो जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाले स्टॉक्स आप खरीद लो, ताकि फ्यूचर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पर हो जाएगा तो आपको जो रिटर्न्स है वो सबसे अच्छे मिलेंगे, सबसे ज्यादा मिलेंगे, और ये मेरा वादा है। सो डू चेक आउट दैट वीडियोस। तो एफएल इंडिया के बारे में बात कंटिन्यू रखते हैं। एफएल इंडिया ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है करंटली। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13,909 करोड़ का, यानी 14,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। और कंपनी के ऊपर जो डेट है वो है केवल 149 करोड़ का, यानी 150 करोड़ के आसपास का डेट है। लेकिन अभी आईटी ये भी कंपनी ज्यादा जूनी नहीं है, कम से कम मेरे ख्याल से 2.5 से 3 साल इसको हुआ रहेगा मार्केट में आके, लेकिन तब से इसने बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है इस, और जो डेथ है वो ईयर बाय ईयर बहुत ही ज्यादा कम करते गई है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में डेट फ्री हो जाए और हमें बहुत ही अच्छे खासे और मैसिव रिटर्न दे सके। सो इन माय ओपिनियन आईटी सेक्टर के अंदर एट प्रेजेंट एफएल इंडिया सबसे अच्छा स्मॉल कैप स्टॉक है। सो अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज माय ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बढ़ते हैं सातवें स्टॉक की तरफ। सातवां स्टॉक है अरविंद फैशंस लिमिटेड। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 297 रुपीज के आसपास, पिछले एक साल में इसका ऑल टाइम है 364 रुपीज। कंपनी करती क्या है, कंपनी फैशन ब्रांड है, ब्यूटी ब्रांड है और ज्वेलरी ब्रांड, जो इंडिया के अंदर साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा फेमस है। कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसमें सेवरल नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांड्स है, जैसे कि कैल्विन क्लेन, टॉमी हिल्फिगर, यूएस पोलो एसोसिएशन, देन एरो पेस्टल एक्सेट्रा। और ये जो ब्रांड्स है ये अपैरल्स के बहुत ही ज्यादा बड़े ब्रांड्स है, तो आप सोच सकते हो कि ये सारी कंपनीज को ग्लोबल लेवल पे अरविंद फैशंस लिमिटेड ये मैनेज करता है। So you can think that how big this company is. पूरे वर्ल्ड में कंपनी का जो प्रेजेंस है वो मोर देन 3,500 डिपार्टमेंटल स्टोर से ज्यादा में है, यानी कि वर्ल्ड वाइड कंपनी 3,500 से ज्यादा डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अकेली मैनेज करती है। तो ये था सातवां स्टॉक। आठवां स्टॉक है साइंट लिमिटेड। साइंट लिमिटेड अगेन आईटी सेक्टर की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है समवेयर अराउंड 750 रुपए के आसपास, और पिछले एक साल में ये स्टॉक 1290 रुपए की प्राइस को टच करके आ चुका है। एट प्रेजेंट 500 से 550 के डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है। तो कंपनी करती क्या है, कंपनी ग्लोबल लेवल पे टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड है इन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस इन जियोस्पेशियल इंजीनियरिंग डिजाइनिंग एनालिटिक्स नेटवर्क एंड ऑपरेशन सॉल्यूशंस एक्सेट्रा। और ये जो सारी सर्विसेज है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अननोन या फिर अनकॉमन हो सकती है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में ये सारी जो सर्विसेज है इनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है और इनके ऊपर ही पूरा बिजनेस वर्ल्ड इनडायरेक्टली चलता है। और साइंट लिमिटेड ये जो कंपनी है इसके बारे में वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है जो ये स्टॉक को बहुत ही अच्छा बनाता है, और वो ये है कि एट प्रेजेंट जो पूरी दुनिया की टॉप 30 आउटसोर्सिंग कंपनीज है उसमें साइंट लिमिटेड का नाम आता है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि एक इंडियन कंपनी पूरी दुनिया की टॉप 30 आउटसोर्सिंग कंपनीज में आती है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है, बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। तो कमेंट सेक्शन में एक शाउट आउट दे दीजिए टू द साइंट लिमिटेड, क्योंकि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना हमारा फर्ज बनता है। साइंट लिमिटेड का करंट बिजनेस 14 प्लस इंटरनेशनल कंट्रीज में है, अगेन इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी की बहुत ही अच्छी खासी डिमांड है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,630 करोड़ का, और कंपनी के ऊपर जो डेट है जो कर्जा है वो है 573 करोड़ का, और कंपनी को लिस्ट होकर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसलिए ये डेट 500 करोड़ प्लस है, लेकिन डेटा के हिसाब से ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ ये कंपनी अपना जो डेट है जो कर्जा है वो रिड्यूस करते जा रही है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो लगभग जीरो हो जाए और इन्वेस्टर्स को ये एक मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सके। अब पढ़ते हैं नोवा स्टॉक की तरफ। नोवा स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 20 रुपए के आसपास, और कंपनी का जो पिछले एक साल का ऑल टाइम हाई है वो है समवेयर अराउंड 36 रुपए, यानी कि एट प्रेजेंट 16 रुपए के डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है। तो अगर आप चाहो तो इसमें एंट्री ले सकते हो। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9,939 करोड़ का, लेकिन कपड़े के सेक्टर का स्टॉक है, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, तो कपड़े के सेक्टर का स्टॉक है। तो डे बाय डे जिस तरह से फैशन ग्रो हो रहा है उस हिसाब से कपड़ों के सेक्टर में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स वी विल बी इन ग्रेट प्रॉफिट्स। तो अगर आप तो आलोक इंडस्ट्रीज में एंट्री ले सकते हो। अब ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं दैट दिस स्टॉक्स आल्सो एग्जिस्ट इन द मार्केट। तो ये था हमारा नोवा स्टॉक। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट स्मॉल कैप स्टॉक की तरफ, जो है आरती ड्रग्स लिमिटेड। कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है 430 रुपए के आसपास, पिछले एक साल में 735 रुपए के प्राइस टैग को टच करके आ चुका है, यानी लगभग 300 से 350 के डिस्काउंट पे मिल रहा है। सो दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू दिस स्टॉक, क्योंकि आरती ड्रग्स लिमिटेड ये बहुत ही बड़ा ग्रुप का पार्ट है, यानी कि आरती ग्रुप जो है ये मार्केट में बहुत ही बड़ा ग्रुप माना जाता है, और आरती ग्रुप का ये स्टॉक है यानी कि आरती ड्रग्स लिमिटेड। तो डेफिनेटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये कंसिस्टेंट रिटर्न्स देगा, और हो सकता है कि हमें ये एक मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दे सके, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही अच्छा काम करती है इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स के सेक्टर में भी ये कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मोर देन 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, यानी कंपनी का जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,000 करोड़ के आसपास, और कंपनी का जो डेट है वो है 519 करोड़ के आसपास। तो बस दोस्तों, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये थे वो 10 स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स जो फ्यूचर में हमें मल्टी मिलियनेयर बनाने का जो हमारा सपना है वो पूरा कर सकते हैं।
बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन फाइनेंस के रिलेटेड और नॉलेज आप लेना चाहते नहीं हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें आज की दुनिया में सारी दुनिया फाइनेंस वर्ल्ड पे चल रही है तो फाइनेंस का ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ, एक भी रुपया चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा जो मोटिवेशन है और बढ़ सके और मैं और ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए डेली लेकर आ सकूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फिनटेक में मोहित लांबा पे बने रहे। थैंक यू सो मच।